नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट हिंदी के PYQ टॉपिक वाइज कर रहे थे 2012 से 2023 तक। तो लास्ट वीडियो में हमने आधुनिक काल के कवियों के जन्म अनुक्रम के ऊपर प्रश्न करा था, तो जिसमें मैंने 28 प्रश्न करवाए थे। बैक जाके मैं दिखा देती हूँ, 28 प्रश्न यहाँ तक करवाए थे। तो एक प्रश्न और स्किप हो गया था, मतलब जब टॉपिक वाइज मैं छांटती हूँ प्रश्नों को तो एक आध दो प्रश्न कई बार मुझसे छूट जाते हैं, तो वही मैं आगे की वीडियो में करा देती हूँ। लेकिन जब इनको कंपाइल करके मैं जब करवाऊँगी तो आदिकाल के जितने भी, जैसे कि अनुक्रम से संबंधित, जन्म अनुक्रम से, पंक्तियों वाले, सुमेलन वाले, कूट वाले प्रश्नों को एक साथ कंबाइन करके मैं आपको कराऊंगी, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न जब मैंने 28 करवाया था लास्ट के वीडियो में, आधुनिक काल के जन्म अनुक्रम के ऊपर कवियों के प्रश्न, तो एक प्रश्न 2023 में और था जो स्किप हो गया, मैं नहीं करा पाई। जून 2023 के सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये मैं अभी के वीडियो में करा रही हूँ। चौथी वीडियो क्लास है आज, तो उसमें मैं ये प्रश्न करवा रही हूँ। तो कोई प्रश्न रह ना जाए, आपको पता लगे कि किस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये देखिए, जितने भी कवि हैं, पिछली वीडियो में हमने इसमें से उदय शंकर भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, ये मतलब ये सारे देखना रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। 2004 से 2023 तक मेरी सारी सीरीज देखना, आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न छूट गया था, तो मैं आपको आज के इस चौथे वीडियो क्लास में मैं आपको करा रही हूँ। उसका सही उत्तर जो हो जाएगा, देखिए, एक एक ऑप्शन इसका सही होगा, जिसमें जो सियाराम शरण गुप्त का जो जन्म अनुक्रम है 1895 है, उदय शंकर भट्ट का 1898, सोहनलाल द्विवेदी का 1906, श्याम नारायण पांडे का 1907 और रामधारी सिंह दिनकर का 1908 इसका रचनाकाल है। रचनाकारों के जन्म काल का मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ताकि कोई भी प्रश्न रह ना जाए, आपको पता चलता रहे कि हाँ किस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं। या फिर मैंने इसलिए भी इसको करा दिया, कहीं आगे अभी जो 2023 के दिसंबर शिफ्ट में अगर कोई एग्ज़ाम होगा, तो उसमें अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ये आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, इसलिए मैंने ये करा दिया है। तो आज के वीडियो में हम देखिए, भारतेंदु युग से लेकर छायावादी युग के काव्य से संबंधित जितने भी क्रम वाले प्रश्न हैं, उनको आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो ये आज चौथा वीडियो क्लास है, इससे पहले तीन करा दिए हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है 2004 से 2023 तक टॉपिक वाइज सीरीज़ की, और 2004 से 2019 तक अलग से सीरीज़ बना चुकी है पहले से ही, लास्ट ईयर, देखना चाहें उसको भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे इस प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। रचनाकाल के अनुसार सिरधर पाठक के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो जितनी भी रचनाएं दी गई हैं सिरधर पाठक की हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वी, और इसका जो अनुक्रम है जिसमें इसका एकांतवासी योगी का जो रचना का सन है 1886 है, उजड़ ग्राम 1879, श्रांत पथिक 1902 और सांध्या अटन 1918 है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? जून 2016 का प्रश्न है, सही उत्तर इसका बी होगा, और इसका जो अनुक्रम है पंचवटी 1925 की है, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और द्वापर 1936 की है, और ये सारी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे जो प्रश्न बनता है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? दिसंबर 2015, थर्ड पेपर का ये प्रश्न है। अब ये काव्य ग्रंथ दिए हैं किनके हैं, ये आपको खुद पता होने चाहिए, सारे रचनाएं आपको सन के साथ याद होंगी, और किसकी हैं ये भी पता होना चाहिए, तभी अनुक्रम में लगा पाएंगे। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, और ये सारी जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत के काव्य ग्रंथ हैं, और इनका जो अनुक्रम बनता है, युगांत 1936 की है, स्वर्ण धूली 1947 की है, लोकायतन 1964 की है, सत्यकाम 1975 की है। तो सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, और कौन से, बस्तनी राला जी और रामधारी सिंह दिनकर,
तो ये सारे कवि जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाएं बार बार रिपीट होती हैं श्रीधर पाठक की। अगला जो प्रश्न बनता है, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम क्या है? जून 2014 सेकंड पेपर का ये प्रश्न है। इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। और इसका जो अनुक्रम है जयशंकर प्रसाद के काव्यों का, जिसमें कानन कुसुम जो है 1913 ईस्वी की है, आंसू जो है 1925 की है, लहर 1933 की है, और कमायनी 1935 ईस्वी की है। और ये सारी रचनाएं और इनके जो कमायनी का जो सर्ग है, 15 के 15 सर्ग, वो आपको क्रम के अनुसार याद होने चाहिए, क्योंकि 2023 में भी वो रिपीट हुआ है और आगे भी वो रिपीट होगा। तो इसके मैंने लगा दिए हैं आपको 15 सर्ग कौन कौन से हैं, जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, ईड़ा जिसे तर्क, बुद्धि, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद जिसको त्याग भी कहते हैं, दर्शन, रहस्य, आनंद, आनंद। और कमायनी के 15 सर्गों का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि इसको कैसे याद करें, उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक करके एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसको याद करने के लिए मैंने बहुत अच्छी सी वहाँ पे ट्रिक बताई हुई है, आप उसको अच्छे से इसको पूरा एक सीरीज में याद कर सकते हैं। बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही आपने पढ़ना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आया है ये। अगला जो प्रश्न बनता है, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? जून 2015 थर्ड पेपर का प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी। और इसका जो अनुक्रम है, उर्वशी 1909 की ईस्वी, 1909 ईस्वी की है, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी की है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की काव्य ग्रंथों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? दिसंबर 2015 थर्ड पेपर का प्रश्न है। सही उत्तर भी होगा। इसका जो अनुक्रम है, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी की है, झरना 1918 ईस्वी की, आंसू 1925, लहर 1933 ईस्वी की है। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? जून 2016 थर्ड पेपर का प्रश्न है, जिसमें चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर इसका डी होगा। और इसके अनुक्रम है, कानन कुसुम 1913 की है, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 की है। अगला जो प्रश्न बनता है, प्रकाशन वर्ष अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? जो दिसंबर 2018 का प्रश्न है, जिसमें चार ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर उसका सी होगा। और इसके जो अनुक्रम है, प्रेम पथिक 1914 की है, आंसू 1925 की, लहर 1933 की है, कमायनी 1935 की है। और आप इसको नोटिस करते जाइएगा कि कौन कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगला जो प्रश्न बनता है, रचना काल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित काव्य कृतियों के सही अनुक्रम क्या है? दिसंबर 2012 थर्ड पेपर का प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर इसका डी होगा। और इसका जो अनुक्रम बनता है, परिमल 1930 की है, तुलसीदास 1938, नए पत्ते 1946, आराधना 1953 की है। तो ये जो चार स्तंभ कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, इन चारों के चारों कवियों की जितनी भी रचनाएं हैं उनको आपको याद होना चाहिए सन के साथ। अगला जो प्रश्न है, बार बार रिपीट होती हैं, हर बार अलग अलग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? सितंबर 2013 थर्ड पेपर का प्रश्न है। सही उत्तर इसका डी होगा। और अनुक्रम जो इसका बनता है, जूही की कली 1916 की है, अनामिका 1923 की, तुलसीदास 1938 की, अपरा 1950 की है। चलिए अगला देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? जून 2017 सेकंड पेपर का प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर इसका ए होगा। गीतिका जो है 1936 की है, अणिमा 1943, अर्चना 1950, आराधना 1953 ईस्वी की ये रचनाएं हैं निराला की। अगला जो प्रश्न बनता है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? नवंबर 2017 का ये प्रश्न है, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा डी। और इसका जो अनुक्रम बनता है, निहार 1930 की है, रश्मि 1932 की है, निर्जा 1934 की, दीपशिखा 1942 की है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचना काल का सही अनुक्रम क्या है? दिसंबर 2014 थर्ड पेपर का प्रश्न है, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी। और इसका जो अनुक्रम बनता है, और ये सारी रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं, जिसमें मधुशाला 1935 की है, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937 और निशा निमंत्रण 1938 की है।
अगला जो प्रश्न बनता है हरिवंश राय बच्चन का, ये भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है, इसमें सही उत्तर होगा डी। और इसका जो अनुक्रम बनता है, निशा निमंत्रण 1938 की है, मिलन यामिनी 1950 की, प्रणय पत्रिका 1954 की, और जाल संहिता 1959 की है। देखिए अब यहाँ हरिवंश राय बच्चन की अलग रचनाएं पूछ ली हैं, तो ये सब महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनकी रचनाएं बार बार रिपीट होती हैं। प्रकाशन वर्ष अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? दिसंबर 2018 सेकंड पेपर का ये प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर होगा सी। और इसका जो अनुक्रम है, मधुशाला 1935 की है, एकांत संगीत 1939, सतरंगनी 1945, मिलन यामिनी 1950 की है। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? दिसंबर 2012 सेकंड पेपर का ये प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर सी होगा। और इसका जो अनुक्रम बनता है, प्रिय प्रवास किसकी है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है 1914 ईस्वी की, झरना है जयशंकर प्रसाद की, ये 1918 की है, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है जो कि 1936 की है, लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की है जो कि 1964 की है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी अलग अलग रचनाएं यहाँ पे पूछ दी हैं क्रम के साथ, तो इसी तरह आपने भी तैयारी करनी है। प्रश्न काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? जून 2012 थर्ड पेपर का प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर इसका होगा बी। और अनुक्रम है जो इसका, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है जो कि 1914 ईस्वी की है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की जो कि 1931 की है, तुलसीदास है निराला की जो कि 1938 की है, और कृष्णायन द्वारका प्रसाद मिश्र की है जो कि 1943 की है। अगला जो प्रश्न बनता है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? जून 2012 थर्ड पेपर का प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर इसका होगा डी। और इसका जो अनुक्रम बनता है, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की है जो कि 1928 की है, कमायनी जयशंकर प्रसाद की है जो कि 1935 ईस्वी की है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की है जो कि 1942 ईस्वी की है, कुकुरमुत्ता है निराला की जो कि 1942 ईस्वी की है। अगला जो प्रश्न देख लेते हैं हम, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? दिसंबर 2012 थर्ड पेपर का प्रश्न है, सही उत्तर होगा ए। और इसका जो अनुक्रम बनता है, भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त की जो कि 1912 ईस्वी की है, रस कलश है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो कि 1940 ईस्वी की है, उर्वशी है जयरामधारी सिंह दिनकर की जो कि 1961 की है, शंभू है जगदीश गुप्त की। और इसका जो रचना काल है वो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा। अगला जो प्रश्न बनता है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? जून 2013 थर्ड पेपर का प्रश्न है, सही उत्तर होगा इसका बी। और इसका जो महाकाव्य का अनुक्रम है देख लीजिए, प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है 1914 ईस्वी की है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है जो कि 1931 ईस्वी की है, कमायनी जयशंकर प्रसाद की है जो कि 1935 की है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है जो कि 1961 की है। तो ये चारों के चारों महाकाव्य हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। महाकाव्य, खंड काव्य, ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, देखिए कि इनमें से कौन से महाकाव्य है, कौन से खंड काव्य हैं, तो इस तरह से भी आपने तैयारी करनी है। अगला जो प्रश्न बनता है, प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? दिसंबर 2013 थर्ड पेपर का प्रश्न है, जो सही उत्तर बनेगा इसका डी। और इसका जो अनुक्रम है, अनामिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कि 1923 ईस्वी की है, पल्लव है सुमित्रा नंदन पंत की जो कि 1928 ईस्वी की है, लहर जयशंकर प्रसाद की है जो कि 1933 ईस्वी की है, निर्जा महादेवी वर्मा की है जो कि 1934 ईस्वी की है। तो ये थे महत्वपूर्ण जो कवि हैं उन सभी की रचनाएं अलग अलग दे के पूछी हैं अनुक्रम में। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम, दिसंबर 2016 सेकंड शिफ्ट का ये सेकेंड पेपर का ये प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर होगा ए। और इसका जो अनुक्रम है, स्वदेश संगीत है मैथिली शरण गुप्त की और ये 1825 ईस्वी की है, राष्ट्रीय मंत्र गया प्रसाद स्नेही की है और ये 1931 ईस्वी की है, रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर की है जो कि 1935 ईस्वी की है, कुमकुम बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है जो कि 1939 की है। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से, आप देखिए पहले महत्वपूर्ण कवि सिंगल कवि की रचनाएं पूछी जाती थी, फिर देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, अब यहाँ पे अलग अलग कवियों की रचनाएं पूछी जाती हैं,
किस तरह से पूछा जा रहा है, आपने इसी तरह से तैयारी करनी है। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? दिसंबर 2016 सेकंड पेपर का जो प्रश्न है, सी उसका सही उत्तर होगा। और विकल्प जो अनुक्रम है, ये सारे काव्य ग्रंथ हैं जिसमें काश्मीर सुषमा जो है और श्रीधर पाठक की है जो कि 1904 की है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है जो कि 1912 ईस्वी की है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है जो कि 1914 की है, मिलन राम नरेश त्रिपाठी की है जो कि 1917 की है। तो ये सारे काव्य ग्रंथ हैं अलग अलग कवियों के साथ। अगला जो प्रश्न बनता है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? दिसंबर 2016 थर्ड पेपर का ये प्रश्न है। सही उत्तर जो इसका होगा डी, और इसका जो अनुक्रम है ग्रंथी जो है सुमित्रा नंदन पंत की है जो कि 1920 की है, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है जो कि 1923 की है, आंसू जो है जयशंकर प्रसाद की है जो कि 1925 की, निहार महादेवी वर्मा की है जो कि 1930 की है। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? नवंबर 2017 थर्ड पेपर का ये प्रश्न है। सही उत्तर उसका होगा डी, और इसका जो अनुक्रम बनता है प्रेम माधुरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और ये 1875 ईस्वी की है, श्रांत पथिक है श्रीधर पाठक की, और ये 1902 ईस्वी की है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है जो कि 1914 की है, मिलन जो है राम नरेश त्रिपाठी की है, और ये 1917 ईस्वी की है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? जून 2018 का ये प्रश्न है। सही उत्तर इसका जो होगा वो है विकल्प बी, और इसका जो अनुक्रम है यशोधरा है मैथिली शरण गुप्त की, और ये 1932 ईस्वी की है, कमायनी है जयशंकर प्रसाद की, और ये 1935 ईस्वी की है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है, और ये 1959 ईस्वी की है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है जो कि 1961 ईस्वी की है, ये रचना है। अगला जो प्रश्न बनता है, राम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का अनुक्रम, वो दिसंबर 2018 सेकंड पेपर का ये प्रश्न है जिसमें सही उत्तर जो इसका होगा वो है विकल्प सी, और इसका जो अनुक्रम बनता है झरना जयशंकर प्रसाद की है जो कि 1918 की है, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और ये 1923 की है, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की है, और ये 1928 की है, निहार महादेवी वर्मा की है, और ये 1930 ईस्वी की है। अगला प्रश्न करें इससे पहले, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला हुआ है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और इसी तरह की सीरीज़ अगर आप चाहते हैं तो चैनल के साथ आप जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जितने भी वीडियोज़ लेकर आऊँ एग्ज़ाम से पहले आपको समय पे मिल जाए। और साथ ही इसको शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक नहीं करते हैं देख के आप चले जाते हैं, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। अगला जो प्रश्न है आप देख लिजिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? दिसंबर 2019 का ये प्रश्न है सेकंड पेपर का। सही उत्तर इसका सी होगा, और काव्य कृतियों का जो अनुक्रम बनता है वो है आंसू जो कि जयशंकर प्रसाद की है, और ये 1925 की, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की, और ये 1928 की है, स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की है 1929 की, साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की है 1931 की है। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? अब देखिए पूछने का तरीका, पहले एक लाइन से पूछा जाता था, अब ABCD करके पूछा जा रहा है। जून दिसंबर का कंबाइन पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट 2020 का ये प्रश्न है जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प बी, और इसका जो अनुक्रम बनता है परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ये 1930 की है, लहर जयशंकर प्रसाद की है 1933 की, ग्राम्या और सुमित्रा नंदन पंत की है 1940, देवशिखा महादेवी वर्मा की है, और ये 1942 की है। देखिए कैसे रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। अब देखिए सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं जून दिसंबर के कंबाइन पेपर में 2020 के, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता का संग्रह जो है उनको अनुक्रम में लगाना है, और इसका जो सही उत्तर होगा वो है वी, और अनुक्रम जो यहाँ पे मैंने लगाया है वो देखिए इत्यलम जो है सचिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे की है, और ये 1946 की है, कितनी नाव में कितनी बार ये भी, और ये सारी रचनाएं जो हैं आगे की हैं जिसमें कितनी नाव में कितनी बार जो है 1967 की है, पहले मैं सन्नाटा चुनता था 1973 की, नदी की बाग में छाया ये 1981 की है। तो ये कुल सारी रचनाएं आगे की हैं,
आगे की जितनी भी कविता संग्रह हैं, कविताएं हैं, जो रचना है, उनको आपको रटा होना चाहिए सन के साथ, क्योंकि बार बार ये बहुत पूछी जाती हैं, चाहे वो बच्चन की रचनाएं हों, चाहे रामधारी सिंह दिनकर की हो, चाहे स्तंभ कवि हों। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? जून सेकेंड शिफ्ट 2021 का ये प्रश्न है, जिसमें जो सही उत्तर होगा विकल्प डी, और इसका जो अनुक्रम बनता है वो यहाँ पे मैंने लगाया है सन के साथ, आप देख लीजिए। काव्य ग्रंथों का जो सही अनुक्रम है, चिंता, और ये है 1924 की, जो कि अगे की है। उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 की है, और ये गजानन माधव मुक्ति बोध की है। उसके बाद संसद से सड़क तक 1972 की है, और ये सुदामा पांडे धूमिल की ये रचना है। उदिता 1980 की है, और ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो यहाँ पे जो रिपीट प्रश्न है वो मैं कहूँगी, संसद से सड़क तक, चिंता, ये दो रिपीट है। 2004 से 2019 तक अगर आप देखेंगे प्रश्न, तो उसमें ये आपको ये सारे देखने को मिलेंगे, ये सारे रिपीटेड है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? अब यहाँ पे भी देखिए, सेकंड शिफ्ट में, दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में 2021 के ये प्रश्न यहाँ पे रिपीट हुआ है। देखिए सारे के सारे रिपीट हुए हैं, बैक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जून सेकंड शिफ्ट 2021 में प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा है, और उसके बाद दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2021 में प्रश्न देखिए कुछ इस तरह से पूछा है, और रचना देखिए बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम रचना है। और इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प फोर होगा, और यहाँ पे इसका जो मैंने लगा दिया है, चिंता है एक काव्य संग्रह जो कि 1942 की है, और ये अगे की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, और ये 1964 की है, जो कि एक कविता संग्रह है, ये सारी कविता संग्रह है, और ये गजानन माधव मुक्ति बोध की है। संसद से सड़क तक ये कविता संग्रह जो है धूमिल की है, और ये 1972 की है। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष जो कि शमशेर बहादुर सिंह की है, और ये 1980 की है। चलिए ये तो रिपीट हो गया, आप खुद ही देख रहे हैं आपके सामने रिपीटेड है, और इससे पहले भी जो करवा रही हूँ वो भी रिपीटेड है। अगला जो प्रश्न है, देखिए जून फर्स्ट शिफ्ट 2022 का जो प्रश्न है, कमायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कमायनी के जो सर्ग है 15 सर्ग हैं, और ये 15 सर्ग इतने महत्वपूर्ण है कि ये देखिए अभी यहाँ पे रिपीट हुआ है, अभी आगे भी रिपीट होगा 2023 में, आपको देखना आपको रिपीटेड मिलेगा। जून फर्स्ट शिफ्ट 2022 का रिपीटेड प्रश्न, जिसमें ये जो सही उत्तर होगा ये दो तीसरा ऑप्शन का सही होगा, और इसका जो 15 सर्ग हैं, इससे पहले भी मैंने करवाया था, उसमें रिपीट हुआ था, अभी ये दूसरी बार, उसके बाद तीसरी बार भी रिपीटेड आप देखेंगे। इसके जो देखिए जो कमायनी के जो 15 सर्ग हैं, जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई है, शॉर्टकट ट्रिक, बहुत इजी से आप याद कर पाएंगे। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, कमायनी के 15 सर्गों को याद करने का ट्रिक, आप देख लीजिएगा। तो ऑप्शन इसका 3 सही होगा। देखिए स्वप्न, ABCD, यहाँ पे देखिए ABCD, तो यहाँ पे कहाँ है स्वप्न? स्वप्न, लज्जा, कर्म नहीं पूछा है, तो ईर्ष्या, सॉरी यहाँ से पूछा है स्वप्न, ये कहाँ चला गया, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, देखिए एक लाइन से पूछा है, तो कुछ भी आपने एक एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है आपने, तो ऊपर नीचे नहीं करना है, तो इसी तरह आपने याद करना है, ताकि आप इसके कमाईने के सर्गों को लगा पाए। क्या पता दिसंबर के 2023 दिसंबर में भी पूछ लिया जाए, या नेक्स्ट ईयर भी पूछा जा सकता है, तो आपने अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है। अब जून सेकेंड शिफ्ट 2022 का प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अगे की काव्य संग्रह। अब मैं पहले भी करवाती आ रही हूँ, अभी भी देखिए अगे के बार बार जो रचनाएं हैं रिपीट हो रही है, मैंने बोला भी था कि अगे की रचनाएं आप याद रखिए, रिपीट होते हैं, और यहाँ पे देखिए अगे की रचना रिपीट हो रही है, और इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प ए है, और इसका मैंने लगा दिया। आंगन के पार द्वार 1961 की है, सागर मुद्रा 1970 की है, पहले मैं सन्नाटा बुनता था 1974 की है, नदी की बाग पे छाया 1981 की है। तो देखिए ये रिपीटेड हो रहे हैं। अब फर्स्ट मार्च सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट मार्च का है ये,
2023 का ये प्रश्न है। कमाईने के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब पहले से बाद के प्रश्नों को देखिए कैसे घुमा दिया है, पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प चार है, और इसका जो अनुक्रम है यहाँ पे कमाईने में टोटल 15 सर्ग हैं, और इसका जो सही उत्तर होगा पहले कहाँ से शुरू हो रहा है, ये श्रद्धा से शुरू हो रहा है। श्रद्धा से देखिए यहाँ से श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या नहीं पूछा है और ईड़ा पूछ लिया है, तो लेकिन पूछा एक सीरीज में, एक लाइन से पूछा है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मार्च सेकंड शिफ्ट 2023 का ये प्रश्न है। बीन भी हूं मैं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है ऐसे अंश नीचे दिए हैं, इन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब ये थोड़ा हटके प्रश्न पूछ लिया इस बार, तो महादेवी वर्मा का जो गीत है उसमें जो कथन उन्होंने प्रयोग किए हैं उनको जो गीत है तो गीत में जो कथन आए हैं अब उन कथनों को क्रम में पूछा है, तो यहाँ पे इसका सही जो उत्तर होगा वो है एक। अब मैंने लगा दिया है तुम्हारी रागनी, कुलहीन, परवाहिनी, अखंड सुहागनी, सुन हली दामनी, स्मित की चांदनी, ये इसका थोड़ा अनुक्रम होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, जितना हो सके आप अगर ये टॉपिक मिले तो इन डेप्थ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्या पता अभी अगली बार इसके बारे में फिर से इन डेप्थ पूछ लिया जाए। फिर अगला जो प्रश्न बनता है जून फर्स्ट शिफ्ट जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था उस 2023 का ये प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी प्रश्न है सब रिपीटेड है, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ए। रिपीटेड इसमें मैं बता देती हूँ कौन कौन सा है, एक है अंधेरे में, असाध्य वीड़ा, कुकुर मुत्ता, परिवर्तन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अभी मैं करवाई हूँ उसमें तो ये रिपीटेड नहीं देख रहे होंगे, लेकिन 2004 से 2019 के बीच में आप देखिएगा ये सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, आप देख लीजिएगा, अलग से प्लेलिस्ट है, ये सब रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि मैं सीरीज टॉपिक वाइज इनको अलग जब करती हूँ ना तो मुझे ध्यान में रहता है कि हाँ ये जैसे ये सारे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लगाए हैं जो खुद से लिख के रेड वाला, ये मैंने खुद से टाइप किया है, तो मुझे ध्यान रहता है कि हाँ कौन सा रिपीट है कौन सा नहीं। महत्वपूर्ण कवि के रचनाएं बार बार रिपीट होती हैं, तो इसमें जो सही उत्तर होगा ए। और अब इनको अनुक्रम में लगा दिया है मैंने, तो परिवर्तन देख लीजिए सुमित्रा नंदन पंत की है, और मैं बार बार बोलती हूँ सुमित्रा नंदन जितने भी स्तंभ कवि हैं उनकी सब रचनाएं पढ़ डालो सन के साथ, क्या पता कब कौन सी रिपीट हो जाए। देखिए वो सारे महत्वपूर्ण कवि हैं जो पिछले अभी हम वीडियो में हम करके आए, अभी जो करके आए शुरुआती में 136 के बीच में जितनी वीडियो प्रश्न किए हैं उनमें सभी एक कवि महत्वपूर्ण जो उनकी रचनाएं पूछी हैं, तो उनके क्यों नहीं सारी रचनाएं आप पढ़ लेते, तो अगली बार जितनी भी आए आप से एक भी नहीं छूटेंगी। तो परिवर्तन जो है सुमित्रा नंदन पंत की है, परिवर्तन यह एक कविता जो 1924 में लिखी गई है, ये रोला छंद में लिखी है, ये महत्वपूर्ण चीज लगी तो मुझे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि आगे भी पूछ सकते हैं इन डेप्थ में रोला छंद में कौन सी रचना है लिखी गई, बाकी सारी रचनाएं दे देंगे और पूछेंगे रोला छंद में कौन सी रचना है इसमें से, तो परिवर्तन है। तो कुकुर मुत्ता निराला की है और ये 1941-42 की है, कई जगह 41 है तो कई जगह 42 है, तो मैंने 41-42 दोनों लिख दिया है यहाँ पे। असाध्य वीड़ा जो है आगे की 1961 की है, देखिए अभी हम करके आए हैं असाध्य वीड़ा 1961 में। अंधेरे में गजानन माधव मुक्ति बोध की, ये भी करके आए हैं, जो कि 1942 की है। उसके बाद मोचीराम धूमिल की है, मोचीराम 1972 में प्रकाशित संसद से सड़क तक में संग्रहित है, तो ये भी मुझे महत्वपूर्ण लगा तो लगा दिया मैंने, क्या पता आगे पूछ लिया जाए। अब अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बात के क्रम में लगाएं, इसका जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प ए, और इसका जो अनुक्रम है रामधारी सिंह दिन करके। देखिए अभी जो एग्जाम हुआ जून सेकंड शिफ्ट 2023 में, तो यहाँ पे भी रामधारी सिंह दिनकर की सारी रचनाएं पूछी हैं, और मैं आपको बार बार बोलती हूँ जितनी महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी रचनाएं आपको रटी होनी चाहिए सन के साथ। अब यहाँ पे मैंने इनके सन लगा दिए हैं और इन्हीं सन के अकॉर्डिंग ही ये क्रम में लगाए जाएंगे, जब तक ये आपको सन नहीं याद होंगे आप इनको क्रम में नहीं लगा पाएंगे, तुक्के से तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, किसी का तुक्का एकाध तो सही लग जाता है लेकिन ज़्यादातर ये गलत ही होते हैं, तो रिस्क नहीं लेना है, आप रचनाओं को याद करिए ज़्यादा से ज़्यादा
और यहाँ पे देखिए इनका जो क्रम हो जाएगा, रसवंती जो है रसवंती 1940 की है, कुरुक्षेत्र 1946 की, सामधेनी 1947 की, रश्मिरथी 1952 की है, उर्वशी 1961 की है। ये सारी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अब मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, अब आगे परसों मैं एक और वीडियो क्लास लेकर आऊँगी मैं। अब देखिए अब कल बनाऊँगी तो परसों रिकॉर्ड करके आपको उपलब्ध कराऊँगी। तो इस तरह मेरी ये सीरीज़ चल रही है। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, अब बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। आप सीरीज़ इसी तरह की चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।